मैं डॉक्टर नेपाल चंद्र महतो, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, सिंहभूम कॉलेज चांडी। आज सेमेस्टर 3 के छात्र छात्राओं के लिए कोर कोर्स 5 का एक प्रश्न है कि आश्रम व्यवस्था सामाजिक ढांचा में हम लोगों के लिए एक प्रश्न के रूप में आई है कि आश्रम व्यवस्था क्या है, आश्रम व्यवस्था की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, आश्रम व्यवस्था का उपादेयता क्या है, कहां तक वह सफल हो पाया, या मानव जीवन में यह व्यवस्था एक ऐसी जो आत्मिक उन्नति के मार्ग प्रशस्त करने वाले व्यवस्था, जो एक नीचे स्तर से मानव जीवन का एक एक कदम एक एक के बाद एक कदम को पार करते हुए जो हमारे दार्शनिकों द्वारा, हमारे पूर्वजों द्वारा, मनीषियों द्वारा एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बनाए और मानवों को चलने की जो प्रेरणा दिए हैं, इस संबंध में आज हम लोग आश्रम व्यवस्था के विविध जो कदम है वह व्यवस्था के संबंध में हम लोग आलोचनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करेंगे। तो हिंदुओं के सामाजिक व सांस्कृतिक विचारधारा की मूलभूत विशेषताएं त्याग होती है। यह लौकिक तथा पारलौकिक मुक्ति मार्ग के प्राप्ति हेतु मानवों को एक सदगति देने के लिए, एक सद मार्ग दिखाने के लिए एक एक कदमों की हमारे ग्रंथों में उसका संकलन कर संग्रहित किया गया है और मानवों को उस मार्ग में चलने की प्रेरणा दी गई है। तो अर्थात मोक्ष प्राप्ति के मार्ग को प्रशस्त करने का यह विधा हिंदू ग्रंथों की विचारधारा, जो मानव जीवन की महत्वपूर्ण विषय बिंदु रही है, इसकी प्रासंगिकता के संबंध में हमारे विद्वानों ने एक एक कर्म मतलब अपना पड़ाव मतलब स्थिर होने के बाद फिर मतलब अपना गति को पकड़ने, अर्थात जीवन की जो गति है उस जीवन की गति में एक एक पड़ाव बना दिए हैं, एक एक स्थिर होने का पड़ाव बना दिए हैं और स्थिर रहने के बाद फिर अपना गति को पाने का मार्ग बताए हैं, जिस मार्ग को ही आश्रम व्यवस्था के रूप में डाला गया है। पीएन प्रभु का तो कहना है कि आश्रम व्यवस्था हिंदू विचारधाराओं का वह व्यवस्था है जो जीवन के मार्ग में जीवन के गति को नियंत्रित कर एक पड़ाव के रूप में पहुंचाता है, फिर दूसरे पड़ाव में उसको आगे बढ़ाता है, फिर तीसरे पड़ाव में बढ़ाता है, उसके बाद अंतिम पड़ाव में उसको पहुंचाता है। अर्थात ये जो व्यवस्था है हमारे आश्रम की व्यवस्था, वह व्यवस्था मानवों के धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये जो चार कदम है, ये चार कदम को मतलब ये लोग अपना मानव को दिशा दर्शन दिए। अतः हमें देखना है कि आश्रम व्यवस्था की अर्थ क्या है, मीनिंग ऑफ द आश्रम सिस्टम। तो मानवों की प्राणी मानव प्राण की मानव जीवन की जो स्थिति है, गतिशील स्थिति है, ऐसे गति को एक नियंत्रित दिशा में प्रविष्ट करते हुए आगे बढ़ाकर उसको मोक्ष प्राप्ति के मार्ग तक पहुंचाने का विधा ही हमारे आश्रम व्यवस्था है।
अतः इसकी उत्पत्ति के कथा में कहा गया है कि व्युत्पत्ति के शब्द में दृष्टिकोण से आश्रम शब्द संस्कृत की श्रम धातु से बना है, श्रम धातु से बना है जिसका अर्थ होता है परिश्रम। अर्थात इसको दो रूप में देखा गया है कि एक परिश्रम करने की स्थान और उसका उद्यमी, कि परिश्रम से क्या मतलब उसका उद्यमी क्या है। अर्थात दो उसमें दिशा तथ्य को उसमें दर्शाया गया है। अतः ये जो हमारे जीवन का जो लीला है, जीवन लीला है, इसमें प्रथम जो दौर है उस दौर में बाल्यावस्था, पौरावस्था, उसके बाद अपना बाल्यावस्था, युवावस्था, पौरावस्था, उसके बाद अपना अंतिम जो अवस्था, इसी आधार पर पहले तो इसको बांटा गया है कि हमारे आश्रम के माध्यम से उसे उसी प्रकार मतलब ज्ञान, उसी प्रकार की सब शक्तियां प्राप्त हो और प्राप्त करके वह अपना जीवन यात्रा को सफल बनाकर मोक्ष प्राप्ति के लिए अधिकारी बने। अर्थात इहलौकिक पारलौकिक सभी प्रकार की प्राप्ति हेतु हमारे मनुष्यों द्वारा आश्रम व्यवस्था की जो व्यवस्था की यही है, यह व्यवस्था को ये चार कदम में रखे हैं। चार कदम पहले तो इसका जो मतलब इतिहास के बारे में कहेंगे कि इसका ऐतिहासिक वृत्तांत, तो पहले तो तीन ही कदम था जिसमें चार क्या क्या, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, संन्यास और लास्ट में ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, उसके बाद लास्ट में संन्यास। तो संन्यास तो बाद में मतलब इसको हमारे इतिहास में दर्शाया गया है, इसके बारे में भी इसे अध्ययन और आगे करेंगे। तो देखना है कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चार के कदम के लिए चार जो पड़ाव है, ये चार के लिए हमारे चार आश्रमों की उपादेयता दिखाया गया है मानव जीवन की। अतः हिंदू विचारधारा के सिद्धांत के अनुसार कि पहला जो अवस्था है, पहला अवस्था में अपना ब्रह्मचार्य की अवस्था को अपनाकर हम अपना ब्रह्म को, धर्म को प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद है ब्रह्मचार्य से धर्म की प्राप्ति, ब्रह्मचार्य से गृहस्थ से अर्थ और काम की प्राप्ति, वानप्रस्थ से अर्थ और काम को त्याग करके अपना वन में प्रस्थान करके आत्मचिंतन की प्राप्ति अर्थात ज्ञान की प्राप्ति, फिर संन्यास में विभिन्न जगह पर स्थान पर घूमते फिरते समाज कल्याण व विश्व कल्याण की भावना को रखते हुए अपना स्वयं की मनन चिंतन द्वारा आत्मचिंतन करते हुए अपना जीवन को व्यतीत कर समाज, धर्म, जीव मात्र के, प्राणी मात्र के उद्धार की भावना को, सर्वमंगल कामना को लेते हुए अपना मोक्ष प्राप्ति की मार्ग तक पहुंचने की विधा है। तो ये जो इसीलिए तो मतलब हमारे पीएन प्रभु का तो विचार बहुत अच्छी है कि वे कहे हैं कि आश्रम व्यवस्था हिंदुओं का या संस्कृति का, मानव संस्कृति का वह विधा है, सामाजिक संस्कृति, सामाजिक संस्कृति का वह विधा है जो एक पड़ाव है, एक पड़ाव को प्राप्त करने के बाद दूसरे पड़ाव को गतिशील जीवन में दूसरे पड़ाव को प्राप्त करते हुए मोक्ष प्राप्ति के अधिकारी बनने का यह महत्वपूर्ण
दिशा दर्शन रही है। अतः हमारे ऐतिहासिक दृष्टिकोण से कि आश्रम व्यवस्था की प्रारंभ बिगिनिंग ऑफ द आश्रम सिस्टम कि आश्रम व्यवस्था की प्रारंभ की कहां से मानी जाती है, क्योंकि ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में इसको हम लोगों को ले चलना है। तो यह सर्वविदित है या इतिहास गवाही है कि आर्यों के प्रारंभ आर्यों के काल से यह आश्रम व्यवस्था की प्रारंभ मानी जाती है या आर्यों का देन माना जाता है यह आश्रम व्यवस्था। वे आर्य अपने मोक्ष प्राप्ति की भावना को लेकर लालसा को लेकर यह व्यवस्था को एक एक करके बनाए हैं। तो सर्वप्रथम तो ये जो आश्रम व्यवस्था थी सिर्फ तीन था, क्या क्या था, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ और ब्रह्मचार्य गृहस्थ और वानप्रस्थ, ये आश्रम था। ब्रह्मचार्य में अपना धर्म का प्राप्ति, गृहस्थ में काम और जो अपना अर्थ है ये प्राप्ति के साथ साथ धर्म को अपना जीवन में अपनाते हुए ये प्राप्ति करने की विधा। केवल उसी में नहीं कि काम और अर्थ में ही नियत नहीं रहना, बल्कि हमारे पूर्वज कहें कि काम और अर्थ के साथ साथ धर्म का मतलब अपना लेते हुए उस सबको प्राप्त करने की विधा, नीति, निर्देश। और बाल प्रश्न किया है काम और अर्थों को त्याग करके अपना बोनों में जाकर सदचिंतन मनन त्याग की भावना को रखते हुए अपने तपस्या को पूर्ण करना। तो छादग्न उपनिषद में भी तीने तीन जो हमारा बताइए ये तीन आश्रम का ही वर्णन किया है। हमारे पीएम मोदी के पी कपाड़िया कीत महोदय या मैकडोनल्ड ये विद्वानों का भी विचार है कि सर्वप्रथम तो तीने आश्रम था, लेकिन ये संन्यास को कपाड़िया का कहना है कि संन्यास को जो चढ़ा गया है यह क्या था संन्यास, यह आर्य जाति का है एक प्रतापनावादी व्यवस्था थी। कहा जाता है कि समाज ये जो तीनों व्यवस्था है ब्रह्मचार्य वानप्रस्थ आश्रम व्यवस्था में और गृहस्थ ये जो तीन है ये तो एक सामाजिक सांस्कृतिक ढांचा है, सामाजिक सांस्कृतिक ये विधा है व्यवस्था है। और संन्यास को तो समाज के भीतर नहीं रखा जाता है क्योंकि वो तो अलग चीज है, उसका तो कोई मतलब स्थायी चीज में वो आता नहीं है, न वन में रहता है न समाज में रहता है और न ब्रह्मचार्य बन के अपने स्थिर स्थायी रहता है, तो स्थिर नहीं है वो तो घूम फिर कर घूमते सन्यासी जीवन व्यतीत करना, तो वो तो उसको इस विधा में कैसे लगाया जाए। लेकिन ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखा गया है कि इसको भी हमारे मनीषियों ने विद्वानों ने इसको भी मतलब अपना आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत रखे हैं। और इसी प्रकार हमारे चार आश्रमों का ऐतिहासिक दृष्टिकोण से माना जाता है। अभी चार आश्रम, ये चार आश्रम का अपना अपना किया काम वो तो समझ में आ ही गया कि पहला का जो ब्रह्म है धर्म को आयत्त करना, फिर दूसरा आ गया गृहस्थ में अर्थ और काम धर्म को रखते हुए आयत्त करना, फिर आ गया वानप्रस्थ में त्याग की भावना को रखते हुए अपना सत्चिंतन करना, मनन चिंतन करते हुए अपना जीवन को उबारना, आत्मकल्याण की भावना करना, फिर संन्यास तो सर्वोपरि में जो मोक्ष प्राप्ति का अंतिम राह माना गया है, मार्ग माना गया है, जो समर्पण की भावना, विश्व कल्याण की भावना, जन कल्याण की भावना, लोक कल्याण की भावना, आत्मकल्याण की भावना उसी में अंतर्निहित माना जाता है। अतः मोक्ष प्राप्ति के अंतिम तौर तक पहुंचाने का ये सब एक 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 पड़ाव है जिसे हमारे विभिन्न इतिहासकारों ने उस आश्रम व्यवस्था
में उसको संकलित करके मानव को दर्शन का प्रयत्न किए हैं, जो काव्य महाकाव्य वेद वेदांग शास्त्र ग्रंथों में हमारे मनीषियों द्वारा जो बनाया गया है उसको ये लोग एक क्रमबद्ध रूप से समझाने का, मानव को ज्ञान दिशा दर्शन देने का ये लोग उन विधाओं को एक अपना संकलित करके मानव को उसी के आलोक में ही बना करने का अपना संकेत प्रदर्शित किए हैं। अतः इसकी जो अभी हम लोग को देखना है कि यह जो चार व्यवस्था है बताए कि विचारधारा के अनुसार चार व्यवस्था, तो ये चार व्यवस्था का उपादेयता क्या है, यूटिलिटी ऑफ आश्रम सिस्टम अभी देखना है कि इसका उपादेयता क्या है, इसका आवश्यकता कहां तक मनुष्य में आई, किस प्रकार आई और क्या इसका है और कहां तक यह सफल बनी। तो हमारे हिंदू विचारधाराओं के दर्शनों के तथ्यों में यह स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया है कि यह जो आश्रम व्यवस्था मानव जीवन की एक एक धुरी रही है, एक एक कड़ी रही है कि जीवन जीने की जो कला है उसमें ब्रह्मचार्य बाल्यावस्था की अवस्था में बताया गया है, युवावस्था में बताया गया है हमारे गृहस्थाश्रम, और पुनरावस्था में उसको रखा गया है पुनरावस्था में हमारे बानप्रस्थ, और अंतिम का जो वर्ष है वह वर्ष को मतलब रखा गया है, अंतिम जो जीवन का धारा है उस धारा को रखा गया है संन्यास में। तो इसी प्रकार अध्ययन की सुविधा के लिए एक एक करके हम लोग आलोचना करते चलेंगे। तो सर्वप्रथम है ब्रह्मचार्य, ब्रह्मचार्य व्यवस्था आश्रम, इसका ब्रह्मचार्य आश्रम क्या है। तो यह आश्रम हिंदू विचारधारा के अनुसार मानव जीवन का पहला यह आश्रम माना जाता है, और इस आश्रम में वर्णों के आलोक में, इसको वर्णों में भी बांटा गया, वर्णों के आलोक में इस आश्रम को प्राप्त करने के लिए वर्णों का विशेष स्थान दिया गया है कि इससे प्राप्त करेगा केवल तीन वर्णों का व्यक्ति ही इससे मतलब इसका अधिकारी होंगे, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य। शूद्रों को इसमें स्थान नहीं दिया गया था ब्रह्मचार्य पालन में, तो किसी आश्रम में उसको तो उतना मतलब ये जो ब्रह्मचार्य की जो विचार है ब्रह्मचार्य में ब्राह्मण के ये में उस शूद्र को नहीं रखा गया था। अतः इसके लिए वर्णों के आधार पर अभी भी इसका आश्रम में प्रवेश का क्या नियम था, इसका उपनयन संस्कार करने के बाद ब्राह्मणों के लिए 10 से 12 वर्ष तक का होना चाहिए, फिर क्षत्रियों के लिए 10 से 14 वर्ष का, फिर वैश्यों के लिए 14 से 16 वर्ष का, इसी के भीतर में इसका संस्कार उपनयन संस्कार करने का विधा है। जो ब्रह्मचार्य में प्रवेश करने के लिए उसको उपनयन संस्कार करके उसमें प्रवेश की मार्ग बताया गया है, जिसमें उसी प्रकार समय सीमा को, आयु सीमा को बांटा गया है। अभी उसी आयु सीमा के आलोक में संस्कार होने के बाद ब्रह्मचार्य में प्रवेश किया। अतः ब्रह्मचार्य में प्रवेश यह उसका विद्या अर्जन का समय सीमा माना जाता है कि गुरुकुल में वह विद्या अध्ययन का विधा है ये उपनयन संस्कार के बाद, कि वो प्राणी को, वो जीव, वह व्यक्ति बालक अपना गुरु के संरक्षण में गुरु के कृपा पात्र बनकर वहां अपना विद्या अध्ययन करें, अपना ज्ञान ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करें, और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के बाद वह अपना 25 वर्ष तक उस आश्रम में अपना जीवन बिताए,
अर्थात गुरु के निर्देशों का, गुरु का आश्रित, अपना गुरु आश्रित बनकर अपना आत्म ज्ञान उपार्जन करके पूर्ण ज्ञानी ब्राह्मण बनके पूर्ण ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके वहां 25 वर्ष के बाद उससे वह उससे विदा मिलती थी। अतः यह जो ब्रह्मचार्य का पालन, एक सात्विक भावना, एक पवित्र भावना, एक पवित्र आत्मा के रूप में ब्रह्मचार्य विचार को रखते हुए ज्ञान वर्जन कर वह 25 वर्ष तक वहां अपना विद्या अध्ययन करते थे, और विद्या अध्ययन करने के बाद अपना अर्जन करके 25 के बाद अपना गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते थे। मानव अभी दो नंबर में आ गया, गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम, यह जो गृहस्थ आश्रम का नाम है अभी क्या, गृहस्थ आश्रम वह आश्रम जहां काम और अर्थ, काम और अर्थ को प्राप्ति के साथ साथ अपना सबसे महान महत्वपूर्ण चीज है धर्म को, अर्थात काम और अर्थ के साथ धर्म का प्राप्ति करना, ये आश्रम का महत्वपूर्ण नीति है, विधान है। हमारे मनीषियों का विचार है कि हमें पहला स्टेज के बाद दूसरा में जैसे आगे तो हम अपने को एक महान आश्रय जो गृहस्थ आश्रम है उस आश्रम में हमको प्रवेश का मार्ग मिला, प्रवेश का स्थान मिला, और वहां हमें धर्म को रखते हुए अर्थ और काम की उच्चाशा को संपूर्ण रूप से भोगने का मौका हमें उस आश्रम में मिलती है। इसीलिए हमारे विभिन्न वेद वेदांग या काव्य महाकाव्य या विभिन्न प्रामाणिक ग्रंथों में, जैसे कि मनुस्मृति में कहा गया है कि यह गृहस्थ आश्रम प्राणाधार है। शांति पर्व में कहा कि महाभारत के शांति पर्व में कहा गया है कि ये शांति पर्व में तो माता के रूप में स्वीकार किया है आश्रम को, गृहस्थ जो आश्रम है वो माता समतुल्य माता है। और महाश्रम के रूप में उसी में शांति पर्व में महाश्रम भी कहा गया है। ये सबसे बड़ा आश्रम महाश्रम है, गृहस्थ आश्रम जो द्वितीय नंबर में आता है। इसके लिए 50 इसके लिए क्या, उस मानव को उस आश्रम के समय विचारानुसार धर्म अर्थ काम की प्राप्ति हेतु, पूर्ण प्राप्ति हेतु उसको अपना वैवाहिक जीवन व्यतीत कर अपना धर्म अर्थ को, अर्थ काम को प्राप्त करने के बाद अंशा अपना कुल की रक्षा हेतु संतान उत्पत्ति कर अपना संपूर्ण रूप से जीवन यापन करके भोग उपभोग करके अपना 50 वर्ष तक जीवन व्यतीत करें, और जैविक जीवन व्यतीत करने के बाद उससे आगे के स्टेज में जाना होगा। आगे के स्टेज में उसको प्रस्थान मिल जाता है, स्थान मिल जाता है, वह है वानप्रस्थ। अतः तीसरा नंबर में आ रहा है वानप्रस्थ। अभी वानप्रस्थ क्या है, इसका विचार, इसका हमारे मनीषियों ने क्या विचार दिए हैं, हमें क्या निर्देश दिए हैं कि काम अर्थ ये जो है ये तो हमारे ऊपर के स्टेज में ही छोड़ के हमको इधर आना है वानप्रस्थ में, कि अभी हमें त्याग की भावना रखना, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण इस यह कदम है त्याग। त्याग की भावना को रखते हुए वनों में अपना प्रस्थान करते, क्योंकि विधान है कि अपना घर गृहस्थ सबको संपूर्ण करके
हमारे जैसे कि कपाड़िया महादेव का कहना है कि संपूर्ण विधाओं को, गृहस्थ विधाओं को पूरा करने के बाद अपना संतान के संतान संतति को होने के बाद उसको मिल जाता है 50 के बाद वानप्रस्थ की मार्ग, वन में जाकर अपना जीवन व्यतीत करने की विधा है। वन में जाकर वह अपना त्याग पूर्ण जीवन व्यतीत करके, ये सब जो मोह है, ये सारे मोहों को त्याग कर अभी वह वन में जाकर अपना तपस्या पूर्ण जीवन व्यतीत करें, त्याग पूर्ण जीवन व्यतीत करें, वहां फल मूल कंद खाके अपना जीवन निर्वाह करें और निर्वाह कर वह अपना जीवन में आत्मोत्तान, आत्मचिंतन, मनन करके अपना स्वयं को एक संपुष्ट ज्ञानी, पूर्ण ज्ञानी मनीषी के रूप में अपने को उभारने का संपूर्ण उसको समय मिल जाता है, मौका भी मिल जाता है और वन के मार्ग में प्रस्थान करके वह वहां का आश्रम में अपने जीवन को समर्पित कर गुणी ज्ञानी मनीषी स्वयं अपने को बनने की मौका उनको मिल जाता है और बनने के बाद फिर वह आ जाता है लास्ट का जो मतलब स्टेज है संन्यास। अभी संन्यास 75 के बाद संन्यास, 50 तक गृहस्थ में, 75 के बाद बिताए वन प्रांत में, फिर लास्ट वाला जो है अंतिम है वह समय 75 के बाद का जो समय है वह समय संन्यास समय माना जाता है। हमारे हिंदू विचार दर्शन विचार के अनुसार अंतिम जो पड़ाव है संन्यास, ये संन्यास यह एक मोक्ष प्राप्ति का अंतिम मार्ग माना जाता है। एक व्यक्ति को कभी प्राप्ति करना मुश्किल है क्योंकि तुरंत मोक्ष प्राप्ति में पहुंचेंगे यह तो कोई विधान हो ही नहीं सकता है। इसीलिए हमारे पूर्वजों का यह जो बना हुआ जो विधान है, रीति नीति है, संस्कृति है, ये उसी प्रकार मतलब एक के बाद एक मानव जीवन का महत्वपूर्ण कदम रही है और अंत का जो संन्यास की जो व्यवस्था है वह 75 वर्ष के बाद वह समाज में उसको वह समाज का बाहर पत्र वह किसी समाज में संगठित नहीं बल्कि वह पूर्ण पूर्ण संपूर्ण जितना है पूरा विश्व ही उसका समाज हो जाता है। ऐसी भावना अर्थात विश्व कल्याण की भावना, सर्वमंगल कामना की भावना लेकर वह संन्यास का व्रति बन के समाज का सेवा करना, लोक कल्याण, परोपकारी कार्य, अपने जीवन को आत्मचिंतन, जो जितने भी ज्ञान उपार्जन किए हैं वो ज्ञान का प्रचार प्रसार करना, जीवों का उद्धार के लिए, मानवों के उद्धार के लिए, समाज संस्कृति के बचाव के लिए संपूर्ण रूप से समर्पित होकर संन्यास जीवन व्यतीत करने की विधा अंतिम हम लोगों का संन्यासी विधा है। तो संन्यासी जो यह मोक्ष प्राप्ति का अंतिम मार्ग माना जाता है, इसके वो प्राप्त करने के बाद क्रमागत रूप से एक एक को प्राप्त करने के बाद मनुष्य को स्वयं अपना मोक्ष प्राप्ति के मार्ग प्रशस्त हो जाता है, इसी हमारे ग्रंथों का मनीषियों का विचार है। अतः ये जो जीवन विधा है, जीवन का जो धारा है, एक एक गति है, प्रगतिशील जीवन का जो एक एक पड़ाव है, वह पड़ाव को हमारे आश्रम व्यवस्था के रूप में हमारे विद्वान अंकित किए हैं। ये पड़ाव एक एक करके जीवों को उद्धार का मार्ग बताता है, जीवन को प्रोत्साहित करता है और उसके मार्ग में जो बाधाएं आएगी उस बाधाओं को स्वयं में इतना मजबूती आ जाता है कि उस बाधा हमें कुछ कर भी नहीं पाएगा, उस बाधा से हम बाधित नहीं होंगे बल्कि हमारा मार्ग अपने आप प्रशस्त हो जाएगा। अर्थात सतमार्ग, सतगति, परम गति, परम तत्व को पाने के लिए परम गति की जो मार्ग है वह मार्ग में कोई बाधा आ ही नहीं सकता है। लेकिन हमारे जो निर्देश है, विचार है मनुष्यों का, उस विचार के यह एक वैज्ञानिक सिद्धांत, इसीलिए ये लोग माने हैं कि यह सिद्धांत को ऐसे ही नहीं बनाया गया है बल्कि इसका वैज्ञानिक दार्शनिक के साथ साथ यह इसका वैज्ञानिक विशेषताएं रही है, विज्ञान सम्मत है, विज्ञान भी यही कहता है लेकिन हम उसको मतलब अपना जीवन में एक बार प्राप्ति करने की भावना रखते हैं, लालसा रखते हैं जिसके चलते भटक जाते हैं।
अतः इसको पाने के लिए जो एक एक जो धारा बनाया गया है, पड़ाव बनाया गया है स्टेज बाय स्टेज, तो कदम के बाद कदम लेते हुए हम गंतव्य स्थान तक पहुंचने का यह हमारा असल व्यवस्था एक महान हिंदू विचारधाराओं का दार्शनिक विधान रही है, विधा रही है। अतः इसकी जो यह चार हो गया, यह चारों का एक एक करके तो हम लोग अध्ययन प्रस्तुत किए, अभी देखना है कि इसका उपाध्याय क्या है ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में या मानव जीवन के इतिहास में। प्राचीन जो हमारे धर्म ग्रंथ शास्त्र की जो विधान नीति बनाया गया है आश्रम व्यवस्था, तो आश्रम व्यवस्था का उपाध्याय क्या है, यूटिलिटी ऑफ आश्रम सिस्टम। तो हिंदू विचारधाराओं के आलोक में ये जो चार विधाएं, ये चार विधाएं बाल्यावस्था जो है, अपना बाल्यावस्था में अपना चेतन अवस्था तो आ जाता है बाल्यावस्था में, लेकिन अपने पास ज्ञान तो आ जाता है लेकिन अपने पास अनुभव नहीं रहता है। ज्ञान मेरे पास आ जाता है, बहुत सारी चीजों के बारे में तुरंत कैच कर लेंगे, ज्ञान इतना तीक्ष्ण हो रहता है, बुद्धि रहता है, लेकिन मेरे पास अनुभव नहीं रहता है। युवावस्था में ज्ञान भी रहता है अनुभव भी रहता है, लेकिन मेरे भीतर ऐसे मतलब कुछ विच्छिन्नताएं आ जाती है जिसे अलहड़ता कहते हैं, अलहड़ता विच्छिन्नताएं आ जाती है जिसके चलते हम भटक जाते हैं, भटक जाते हैं। फिर पुनरावस्था, उस समय बुद्धि तो थोड़ा स्थिर हो जाता है, ज्ञान तो आ जाता है, लेकिन शरीर उस समय काम नहीं करते, पतन के मार्ग में शरीर हीन होते जाता है। फिर लास्ट में वृद्धा, जो एकदम अंतिम जो है वो तो उस समय अपना न बुद्धि काम करता है और न अपना शरीर काम करता है। तो ऐसे स्थिति में क्या, ऐसे स्थिति में हमारे विज्ञान सम्मत इसीलिए माने हैं कि ये जो आश्रम व्यवस्था के माध्यम से जीवन जीने की कला को जो हमारे विद्वानों ने मनीषियों ने बताए हैं कि इसको ये सब प्राप्ति के लिए और उसको मतलब अपना संयमित करने के लिए, संयमित करने के लिए इसी प्रकार की आश्रम व्यवस्था की आवश्यकता ठहराए हैं। इसीलिए कपाड़िया महादेव का कहना है कि ये जो तीन पड़ाव, ये जो चार पड़ाव के लिए जो मतलब चार पड़ाव जो बनाए गए आश्रम व्यवस्था, वह पहली जो शिशु अवस्था है, शिशु अवस्था में वह बुद्धिमान रहता है लेकिन उसको अनुभव नहीं रहता है, जो कि हमारे आश्रम के माध्यम से उसको अनुभवी बनाया जाता है, गुरु के माध्यम से अनुभव नहीं रहता है लेकिन उसका आश्रम के माध्यम से ब्रह्मचार्य आश्रम में उसको गुरु के माध्यम से उसको ज्ञानी बनाया जाता, अनुभवी बनाया जाता है। फिर अनुभव बनने के बाद युवावस्था में वह अपना धन अर्थ तो कमाता है लेकिन अर्हता आ जाता है, मन में विभिन्न प्रकार की कुत्सित भावना आ जाता है जिसके चलते वह भटक जाता है। तो हमारे गृह आश्रम में क्या है, धर्म को लेते हुए उसको करने की विधा को आश्रम व्यवस्था में दर्शाया गया है, उसको मर्यादा रखा गया है, मर्यादा पूर्ण जीवन व्यतीत करने का विधा को बनाया गया है, वह किसमें है, हमारे आश्रम व्यवस्था में। अतः वह अपना संयमित जीवन व्यतीत करने का उसको उस व्यवस्था में स्थान मिले। कितने सुंदर विधा बनाया गया है, यह कोई साधारण चीज नहीं है और विज्ञान सम्मत है। फिर आ गया पुनरावस्था, उस समय हृदय तो काम, हृदय में ज्ञान तो बहुत आ जाता है लेकिन शरीर पतन के दिशा में जाता है, तो उस समय उसको उस स्थान पर रहकर निश्चिंत भावना से उसको उसको तपस्या करने की, उनका मनन चिंतन करने की उसको समय मिल जाता है, वह संयमित जीवन व्यतीत करने का उसको बहुत समय मिल जाता है और इधर से उसको छुटकारा मिल जाता है, गृहस्थ जीवन से छुटकारा मिल जाता है, तो वह निश्चिंत भी अपना फल मूल डल खा के अपना सन्यासी जीवन व्यतीत, अपना तपस्वी जीवन व्यतीत करता है और लास्ट में तपस्वी वहां पूर्ण होने के बाद तो वह संन्यास में आ जाता है, तो उसको तो सबके लिए उस समय तो नो अपना और नो पराया, वो तो परंपरा सब परंपरा में आ जाते हैं,
कि जितना है सब कुछ परंपरा अर्थात सब ईश्वर है, जितना है जितने भी अर्थात है भौतिक भौतिक आर्थिक लौकिक ये सारे चीजों को त्याग करके वह संन्यास के मार्ग में सर्वमंगल कामना को लेकर समाज के कल्याण में लग जाता है। अतः हमारे विज्ञान के दृष्टिकोण से इसे एक विज्ञान सम्मत हमारे भारतीय मनीषियों ने एक इसे वैज्ञानिक तथ्य के रूप में मनुष्यों को दर्शाए हैं कि आश्रम व्यवस्था एक महत्वपूर्ण मानव जीवन की व्यवस्था रही है और यह व्यवस्था की उत्पत्ति एक काल सीमा तक कहा जा रहा है, लेकिन यह काल सीमा नहीं, कुछ विद्वानों का तो कहना है कि यह मानव जीवन का महत्वपूर्ण मतलब क्रिया है कि यह सबको बिताना ही पड़ता है, चाहे हम उसको जिस रूप में हो काल समय परिस्थिति तो परिवर्तन अवश्यंभावी हो जाता है। इसीलिए पहले में आदि काल में हो सकता है यह व्यवस्था इस नाम में न थी, लेकिन आश्रम व्यवस्था करके नहीं पुकारा जाता हो, लेकिन मानव जीवन का यह एक विधा जन्म से ही मतलब वह प्राचीन काल से ही यह अंतर्निहित है, अपना जीवन का दौर है, जीवन के मार्ग में यह प्रवृत्ति है जो कि निवृत्ति मार्ग के लिए हमको आगे बढ़ाता है, हमें निवृत्ति देती है, मार्ग बताती है। तो इसीलिए निवृत्ति मार्ग ही प्रवृत्ति मार्ग बन जाते हैं, प्रवृत्ति के मार्ग ही बन जाते हैं। अतः अपना विचार चिंतन को परिवर्तन करके हमें सद विचार देता है, सद ज्ञान देता है, अपना संयमित जीवन व्यतीत करने का ठहरने का मौका देता है, क्रियाकलाप बताता है, एक परख नली जैसा है कि उधर से घूम के इधर आएंगे, उधर अमुक गैस बन के निकलेगा, अर्थात ऐसे ही सीधा कैसे निकल के वह गैस बनेगा, कोई भी क्लोरीन गैस बनाएंगे, कोई भी ऑक्सीजन गैस बनाएंगे तो उसका अमुक प्लस अमुक ये तो वैज्ञानिक सम्मत है, तो उसको अमुक अमुक में डालेंगे, अमुक चीज अमुक नलिक में होते हुए इधर होते हुए उधर अमुक गैस बन के निकलेगा। उसी प्रकार यह जो विधा है, यह विज्ञान सम्मत विधा हमारे मनुष्यों ने मानवों को बतलाए हैं। अतः ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में इसकी उपादेयता महत्वपूर्ण रही है, मानव समाज के लिए संस्कृति के लिए यह महत्वपूर्ण विधा है, और चाहे जिस धर्म के मानव क्यों ना हो, सब मानव के लिए, मानव मात्र के लिए यह महत्वपूर्ण विधा रही है, चाहे उसको जिस रूप में जो अपनाए और कहे, लेकिन इसकी उपादेयता अत्यंत महत्वपूर्ण रही है, और समय के अनुरूप में तो कुछ परिवर्तन होते रहता है, वो तो अवश्यंभावी है, फिर भी इसकी उपादेयता एक महत्वपूर्ण रही है। भारत के विशेष करके हिंदू विचारधाराओं का यह जो मूलभूत सिद्धांत है, मूलभूत जो बिंदु है, मानव जीवन की जो एक महत्वपूर्ण विधा है, यह विधा अलौकिक पारलौकिक सुख के साथ साथ हमें मोक्ष प्राप्ति के मार्ग तक पहुंचाने में समर्थवान अस्त्र शस्त्र रही है। थैंक यू ऑल। नेक्स्ट क्लास।